Hi, this is Sara Khan. Install Hum TV app for amazing content. बच्चे की भूख की बहुत फिक्र है और मैं जो सारा दिन भूखी रहती हूँ उसका क्या? तुम अपना मुकाबला इस बच्ची से कर रही हो? तुम्हारा दिमाग सही है? ये छोटी बच्ची है, इसके लिए ग़िज़ा बहुत जरूरी है। तुम एक वक्त का खाना नहीं खाओगी तो मर नहीं जाओगी। सारा, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँ। तुमने मेरा दिल रखने के लिए कह दिया तो मुझे कह दो, हम दोनों इस उम्मीद को यहीं खत्म करते हैं। मैं जिंदगी भर अपनी मोहब्बत के साथ तना रह लूं। हेलो हेलो अम्मी। परी, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? अम्मी, मुझे सैफी के साथ नहीं रहना, तलाक चाहिए मुझे इससे। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, क्या बकवास कर रही हो? बकवास नहीं कर रही हूँ मैं, हकीकत है ये, इस जानवर के साथ नहीं रह सकती अब मैं। शौहर के लिए भी कोई ऐसे बातें करता है, वो भी इतना प्यार करने वाला शौहर। नहीं है शौहर मेरा, वो जल्लाद है, वो जल्लाद। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया, ना शुक्री हो तुम। अरे, इतने नाज उठाने वाला तुम्हें शौहर मिला है, फिर भी तुम्हारे नखरे हैं वो खत्म ही नहीं होते। अम्मी, वो जैसा नजर आता है नहीं है वैसा वो, बात पे गालियां बकता है, मारता है, मैं इस घर में नहीं रह सकती हूँ। तो तुम करती होगी ना ऐसी हरकतें? तुम्हारी ये सारी हरकतें माँ बाप के घर तो चल गईं। इतनी जो तुम्हारी जबान चलती है, तुम्हारा शौहर क्यों सुने तुम्हारी ये बातें? वो भी ऐसा शौहर जो इतना प्यार करता है। नहीं करता वो मुझसे प्यार, नफरत करता है मुझसे, वो सिर्फ अपने आप से प्यार करता है। अम्मी, नहीं करता मुझसे प्यार वो। देखो फरी, मेरी बात सुनो, मैं जानती हूँ तुम परेशान हो, पर मेरा बच्चा थोड़ा सबर करो, मुझे अंदाजा है वो तुम्हें महल से उठा के एक छोटे से घर में ले आया है, तुम इस वजह से परेशान हो, लेकिन एक ना एक दिन वो अपना हिस्सा मांग लेगा, सब चीजें मिल जाएंगी, तुम सबर तो रखो। नहीं, नहीं कर सकती हूँ सबर मैं, खुदा का वास्ता अम्मी मेरी बात पर यकीन करें, इस वैसे इंसान के साथ नहीं रह सकती हूँ मैं। देखो फरी, मेरी बात सुनो, अगर तुमने सोच लिया है ना फैसला करने का, तो ये भी कान खोल कर सुन लो, इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद है, और अगर तुम ये सोच रही हो मैं तुम्हारा साथ दूंगी तो हरगिज नहीं। तुम्हारी वजह से मैं दामाद से बुराई मोल ले लूं, तुम्हें तो कुछ अंदाजा ही नहीं है। अरे भाई, इतना अच्छा दामाद किस्मत वालों को मिलता है। मेरी माँ है, उसकी माँ है। तुम्हारी माँ हूँ, इसीलिए उसकी साइड ले रही हूँ। देखो, अगर दामाद को हाथ में रखूंगी तो बेटी का घर आबाद होगा। तुम समझती क्यों नहीं हो, मैं इतनी बेवकूफ थोड़ी हूँ तुम्हारी हर बात मान लूं। सही है, फिर आइंदा मुझे कॉल मत कर, समझना आपकी बेटी मर गई है। फरी, फरी, फरी बात सुनो, ऐसी बेवकूफ लड़की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो आई तुम फैक्ट्री से? हाँ, वहाँ बहुत ज्यादा मिसहैप्स हो रही थी, लेकिन मैंने वहाँ सबको टाइट कर दिया। बहुत अच्छा किया तुमने वहाँ। तुम जानती हो कि आजकल मैं ऑफिस में अकेला होता हूँ, और डैड की भी तबीयत आजकल बिल्कुल खराब है। क्या हुआ है अंकल को? पिछले दिनों उन्होंने काम कुछ ज्यादा कर लिया था, और वहाँ तुम जानती हो सैफी की हरकतों की वजह से डैड की तबीयत भी खराब होने लगी है, और वो टेंशन में भी बहुत रहने लगे, साथ साथ बीपी भी हाई रहने लगा है उनका। ओ। इसी वजह से बहुत दिनों से मेरा फैक्ट्री भी चक्कर नहीं लगा। कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो, अब ये मेरा डिपार्टमेंट है, मैं खुद संभाल लूंगी। थैंक यू सो मच। आंटी कैसी हैं? शी इज फाइन माशाल्लाह। सारा के आने की वजह से उनकी तन्हाई भी खत्म हो चुकी है, अब वो बहुत खुश भी रहने लगी है। गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये बताओ कि तुम कंटिन्यू जॉइन कब से कर रही हो? इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से। मन्नू भी फ्री हो जाएगा तो वो मेरे साथ ही हुआ करेगा। और उसकी जॉब? मॉर्निंग में वो अपनी जॉब करेगा, और 3-4 बजे के बाद वो मुझे ज्वाइन करेगा, फिर बाद में हम टाइमिंग शेड्यूल देख लेंगे। ओके, महा तुमने लंच किए? नहीं, मैं घर जाके करूंगी। क्यों, हम साथ में लंच करेंगे, लेट्स गो। अरे नहीं फैजान। हाँ, मेरे साथ लंच करोगे? चलो उठो, चलो लेट्स गो, चलो ना। कौन? जी अस्सलाम वालेकुम भाभी। कौन है आप? भाभी मैं फराज हूँ, सुफियान का दोस्त। वो तो घर पर नहीं है। कोई बात नहीं, घर पर नहीं है तो मैं इंतजार कर लेता हूँ।
क्यों? अभी क्यों ना करूं? आपको अंदाजा भी है सुफियान ने मुझसे कर्जा लिया हुआ है, 3 माह से आजकल पर टाल रहा है, मगर आज मैं अपने पूरे पैसे लेके जाऊंगा। मर्जी आपकी, लेकिन अगर उसके पास पैसे होंगे तो वो देगा ना। सारा दिन कितने लोग आते हैं पैसे मांगने, हमारे घर खाने को पैसे नहीं और आप पैसे मांगने आ गए। देखें भाभी, मैं बाहर गेट पर जाके बैठ जाता हूँ, जैसे ही आएगा मैं उससे मिल लूंगा, बस आप मुझे एक गिलास पानी पिला दें। अच्छा आए। वैसे भाभी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। जी। आप बहुत खूबसूरत हैं और खानदानी भी लगती हैं, तो फिर इस पागल से शादी क्यों की? पता नहीं भाई, शायद किस्मत में ये लिखा था, मेरी तो जिंदगी जहन्नुम बन गई है। ये अंदर क्या कर रहा है? वो इन्हें यार, वो सुफियान दरअसल मैं अपने पैसे लेने आया था, प्यास लगी तो मैंने भाभी से पानी मांग लिया। तुमको तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, तुम जाओ। यार सुफियान, लेकिन प्लीज गो। सब बंदा है। अच्छा, तो मुझसे शादी करके तुम्हारी किस्मत फूट गई है, जिंदगी मैंने तुम्हारी जहन्नम बना दी। जिंदगी जहन्नम कैसे बनानी है ये अब मैं तुम्हें बताऊंगा। मुझे, मैंने नहीं उसे बुलाया था। बड़ी हसीन लग रही हो आज तो। ये फिल्में डालो अपनी बीवी से जाकर को। इसी बात का तो अफसोस है कि मैंने हीरे को छोड़ के पत्थर पर क्यों सर मारा। मत भूलो, हीरे से खतरनाक कोई जहर नहीं। अरे अब तो तुम जहर भी दोगी तो वो भी गवारा है। ज्यादा बकवास मत करो और चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम जैसे चीप लोगों से शदीद नफरत है। एक तो तुम्हें हर बार याद दिलाना पड़ता है, याद है कभी अपनी जान छिड़कती थी तुम मुझ पे? अंधी थी मैं, ये चेहरे के पीछे छुपा घटिया किरदार नहीं देख सकी, लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। लो आ गया तुम्हारे दरबार का गुलाम। जी हुकुम मेरे आका। शुएब। मां तुम क्यों उसकी फजूल की बातों पर टेंशन ले रही हो? कहने दो से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और मुझे फख्र ऐसे दरबार के गुलाम बनने में। इसी गुलामी ने तो मुझे सर उठा के जीना सिखाया। इसको छोड़ो, चाय पियो, तुम्हारी फेवरेट बनाई है अदरक वाली। थैंक्स। हाँ भाई, आजकल मेंढकी को भी जुकाम होने लग गया। अंदर जाकर चाय पीते हैं, वरना इसकी बकवास तो बंद हो गई। हाँ हाँ जाओ, गुड लक मन्नू भाई। और मैं देख रहा हूँ यहाँ से सब नजर आ रहा है, ये मत समझना नहीं देखूंगा। एक कदम घर से बाहर निकाल के तो दिखा, ये जो तुम्हारी दोनों टांगे ना, ये तोड़ के तुम्हारे हाथ में दे दूंगा मैं। जितनी अयाशियां मैंने तुम्हें कराई है, तुम्हारा पूरा खानदान ख्वाब में भी नहीं सो सकता था। मैं बता लूं कहां से आ जाऊं, तुम्हारा मार डालूं तुम्हें।
مجھ سے شادی کر کے تمہاری قسمت پھوٹ گئی ہے. زندگی میں نے تمہاری جہنم بنا دی. زندگی جہنم کیسے بنانی ہے یہ اب میں تمہیں بتاؤں. یہ کیا کر رہی ہو تم؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ ہاں ہو گئی ہوں میں پاگل. پاگل ہو گئی ہوں میں. مرنا چاہتی ہوں. اب کیا میں اپنی مرضی سے مر بھی نہیں سکتی ہوں؟ دماغ صحیح ہے تمہارا؟ یہ کیا تماشا لگایا ہوا تم نے؟ تماشا تو آپ نے بنایا ہوا میری زندگی کا. سارا دن ذلیل کرو مارو پیٹو بس یہی رہ گیا زندگی میں. اب بہت شوق ہے نا تمہیں مرنے کا تو ٹھیک ہے مرو, لیکن میرے گھر سے باہر جا کر. یہاں تماشا لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تم خود تو مر جاؤ گی لیکن تمہاری کھیے کی سزا میں بھگتتا رہوں گا اس دنیا میں. اور ایک بات اور سنو, اس طرح کی دواؤں سے نا کوئی مرتا نہیں ہے, معذور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے ہو جاؤ معذور, تمہیں اٹھا کے ایدی ہوم ڈالتا, وہاں پڑی رہنا. اب یہ تماشے چھوڑو اور چلو میرے ساتھ. چلو چلو. والا خواہش تو یہی تھی کہ ہمیشہ کے لیے سو جاؤں. فری I'm sorry. یہ بھی صحیح ہے, پہلے جوتے مارو بعد میں سوری بول دو. کوئی بات نہیں, اب تو یہ عادت ہی بن گئی ہے. فری پلیز پلیز بیٹھو پلیز. I'm really sorry. دیکھو فری, جو بات میں تم سے کرنے لگا ہوں اسے اور میری سچویشن کو پلیز سمجھنے کی کوشش کرو. مجھے نا بہت زیادہ ڈپریشن ہو رہا ہے, بہت پریشان ہوں. پیسے نہیں ہیں نا میرے پاس, آمدنی کا کچھ پتہ نہیں, قرضے میرے سر پہ چڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور ایسی سچویشن میں میں تمہارا زیور اٹھا کے بیچ دوں نہیں, میں نہیں کر سکتا. یہ میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہوگا. اب تم مجھے خود ہی بتاؤ میں ان حالات میں اب کیا کروں؟ مجھے تو کوئی وے آؤٹ نظر نہیں آ رہا. میرا کیا قصور ہے؟ ساتھ نہیں دیا آپ کا, چھوڑ کر چلی گئی ہوں آپ کو میں. اب کچھ نہیں میں نے برداشت کیا. آنکھیں تک کاٹے میں نے, قرض گواہوں کے تانے تک سنے, اور کیا کروں میں؟ بالکل صحیح کہہ رہی ہو تم, مجھے تمہاری کسی بات سے کوئی اختلاف نہیں ہے. تمہیں مجھے یہ سب بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ میں ان سب چیزوں کے لیے تمہیں اپریشیٹ نہیں کرتا ہوں, میں کرتا ہوں. تم جانتی ہو تمہاری سب سے اچھی بات کیا ہے, تم ماشاء اللہ بہت اسٹرانگ ہو, بہت ہمت ہے تمہارے اندر. مجھے دیکھو کتنا کمزور ہوں میں, میں نے کبھی اس طرح کے حالات دیکھے نہیں ہیں. اسی لیے شاید میں جلدی گھبرا جاتا ہوں.
जानती हूँ मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? जब भी मैं परेशान होता हूँ, मैं अपना सारा गुस्सा अपनी जान पर निकाल देता हूँ, और ये सब करके मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं खुद को कोसता हूँ, मुझे पछतावा होता है। फरी, I'm really sorry, please, please मुझे माफ कर दो। I love you so much. तुम देखना, इंशाल्लाह 2.5 लाख की नौकरी मुझे ही मिलेगी, और एक दिन मैं उनके बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट करूंगा और पार्टनर बनूंगा। आई प्रॉमिस। चलो जाओ शाबाश, वो हाथ धो लो, फिर हम नाश्ता साथ में करेंगे। ये अंडा मैंने बनाया। धोकर आती हूँ, खा के देखूंगी कैसा बना। ओके। समझाओ भाई, हर बात में इसकी एक नई पाख है। अब जिद है कि माहा के लिए चाय नहीं बनाऊंगी। क्या हो गया अविनी, क्यों नहीं मान रही हो तुम मम्मी की बात? जाओ जाके चाय बनाओ। ये भी फैजी इस मूड में नहीं है कि वो इतनी जल्दी शादी करें, और सारा भी मेंटली प्रिपेयर नहीं है। तो मैं सोच रही थी क्यों ना मंगनी करके इनके रिश्ते को मजबूत कर दूं।